कि 5 मिनट की बात करेंगे। मीडिया के हमारे तमाम साथी आए हैं, मैंने हरियाणा में इतना मीडिया तो आज ही देखा है भाई, 2 दिन से हूँ मैं, सारे के सारे आए हैं। तो ये चंद्रमोहन जी, आपका इनके प्रति प्रेम, और बलवान सिंह जी हमारे MP साहब है, इनको इतने मीडिया कवर कर रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इनके माध्यम से पूरे स्टेट में जो यहाँ बातें चल रही हैं, जिन जिन नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही हैं, वो आप जानें। मैं राजस्थान से आपके बीच में एक अपील लेकर के आया हूँ, और वो अपील ये है कि 5 तारीख को अपनी भाषा में आ जाओ, वो चिंता मत, मोटर है इंजन के है कि गर्म उतो उतो है ना, ठीक है, अगर मैं पहली रफ्तार पकड़ा दे तो वो सीध जाए। तो मैं तो ये की बात निवेदन आपसे करने के लिए आया हूँ कि आपने 10 साल यहाँ पर भाजपा का शासन देखा है, जिसमें 9 साल से ज़्यादा कट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। आपने 10 साल देश में मोदी जी का शासन देखा, और मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ दोनों सरकारों के लिए, कि आपने 10 साल यहाँ पर हुड्डा साहब का भी शासन, कांग्रेस का शासन भी देखा, और 10 साल हमारे केंद्र में UPA सरकार, मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस का शासन भी देखा। आप तुलना कीजिए कि हमारे UPA का शासन जब था तो किस प्रकार के कानून बने, किस प्रकार की योजनाएं बनी, कैसे किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, कैसे के लिए 2 रुपये किलो के गेहूं का खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम बना, ये UPA सरकार के 4 प्रमुख काम थे। और जब 10 साल से मोदी जी हैं तो इनके 4 प्रमुख काम आप देख लीजिए, एक तो किसानों के लिए 4-5 काम हैं, ये अपने लिए फायदे का सौदा रहा, या जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सरकार जो योजनाएं और कानून लेकर के आए वो फायदे का सौदा रहा। 10 साल कांग्रेस की हुड्डा साहब, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल वो बहुत खतरनाक मॉडल है, और खतरनाक मॉडल इस तरीके से है कि ऐठे पपेट बैठावे मुख्यमंत्री के रूप में, पपेट समझो ना, पपेट का ही है, पपेट बैठावे हरियाणा में कट्टर साहब पहली बार बनया, बाद पपेट बैठा दिया, कोई विजन नहीं, कोई योजना नहीं, दिल्ली से पर्ची आवे तो काम होएगो, दिल्ली से पर्ची नहीं आवे तो काम नहीं होगो, वो मॉडल गुजरात मॉडल है। गुजरात के मुख्यमंत्री को नाम थामो एक ही नहीं जाने, नहीं जाने, राजस्थान के मुख्यमंत्री को थारो पड़ोसिया माने याद बोली मुख्यमंत्री को ना थाने तो याद ही कहीं, एक भजन लाल जी ने बनाया, पीछे ही पीछे बैठा बैठा MLA की गिनती कर रहा, मीटिंग में करता MLA आया करता नहीं आया, कुर्सी सही लागी नहीं लागी, टेंट सही लागो नहीं लागो, और पर्ची निकली, और बाबी वसुंधरा राजे जी का हाथ से पर्ची निकलवाई और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गया। क्योंकि भजन लाल जी कोई लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के मायने कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, वो गुजरात मॉडल है। मध्य प्रदेश में देख लियो, दूसरे स्टेट में देख लियो, और इससे असली नुकसान किन वे, असली नुकसान अपन वे, आम जनता ने वे, और कि प्रदेश के मायने अगर बिना विजन और बिना कोई निर्णय लेने की क्षमता वो नेता अगर बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री बन जावे तो भी प्रदेश के लोगों ने भी को भुगतना पड़े, भी को जो नुकसान हुए को भुगतने को काम हुए मारे थे। ताकि एक बात तो खासियत है हरियाणा के लोगों की, सीट से ज्यादा एडजस्टमेंट थे हरियाणा वाई जानो, सीट लागेड़ी है 8 आदमी की 24 आदमी एडजस्ट हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात आ तो मान ली कटे विधानसभा में 90 से ज्यादा 180 मत भेज दीजिए, 90 ही जाएगा, 90 कोई पास बढ़ेगा। आ बात तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ
कि कुर्सियां को एडजस्टमेंट तो थाना आवे और अल्टा पल्टी भी इतनी जानदार करे कि एक उठे गोली भी ऊपर नहीं दूसरो बैठ गया। तो अल्टा पल्टी अभी आपने करनी है कि नायब सैनी जी की बीजेपी की कुर्सी ने पलटर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठाना है कांग्रेस की सीट पर मुख्यमंत्री के ऊपर आपके आशीर्वाद से कब्जो उठाई है जिसे आपके सबके लिए योजना हुए। राजस्थान का पड़ोसी यहाँ ये धर्म निभावा आया और मैं उम्मीद करूँ हरियाणा का लोग मारे साला सर बालाजी के बहुत जावे मेरे विधानसभा क्षेत्र में अंजनी माता को मंदिर जो है वो साला सर मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आवे जैठा से मैं चुनर चौथी बार आया हूँ और अंजनी माई के मंदिर से 200 मीटर के ऊपर मैन बालाजी को मंदिर है। तो सारा लोग आप हरियाणा का पंजाब का इनाऊ सारा का सारा लक्ष्मणगढ़ और बालाजी के थे साला सर बालाजी के जाओ तो मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात ने थे वजन देगा मेरी बात ने थे तवज्जो देगा और बलवान सिंह जी नाम ही बलवान है तो फिर बाकी के छोड़ेगा ये कह रहा मैं यहाँ कर दूंगा यहाँ कर दूंगा जब मैं कह रहा थाने कहने की जरूरत ही गोली ठाकुर नाम ही करके बलवान सिंह निकाल दियो। अब मेरे तो समझ में को नहीं आई है 19 बाद में थाने छोटिया के यहाँ लोग धोखे में आएगा। मोदी जी अमित शाह जी का जगह जुमला है ना 2 करोड़ रोजगार दे देंगे 15-15 लाख ग्राम दे देंगे अपा जुमला में आएगा लेकिन अब आगे ऐसा के समझ में आएगी नहीं 4 घंटा से डिबेट है को नहीं रहे। एमएलए साहब अग्रिम शुभकामना बधाई देना चाहूँ थाने और मैं की बात से बहुत खुश हूँ कि एक नौजवान साथी अब तो हिम्मत आड़ो अब तो आपका संघर्षशील व्यक्ति और वो आदमी आके के माने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं कांग्रेस मारी माँ है ये मैं कांग्रेस का प्रत्याशी ने जीता रखा से भेजांगा वो जो नौजवाना में जज्बूत है भी जज्बे को सलाम कर दियो कि बुजर कटिया नहीं करो टावरा ने काट को शुरू कर दियो थाने पीछे मत खेल दियो सागे लेट चालोगा तो मैं थाने कहूँ के थाको उज्जवल भविष्य है और मैं थाके बारे में जानू साहब अगर राज्य कांग्रेस को बन रही है तो थाके राज में शीर थाको वैगो बलवान सिंह जी की मैं कोई नहीं है राज में शीर वैगो मंत्री बनोगा लागेगी तो अटावरा ने सागे लेर संगड़ा की गांव का की लोग की सेवा कर दियो इस सेवा से बड़ो कोई काम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अठा से निकाल बाको काम सब लोग कर देगा और आकी सेवा करवा को काम आप लोगों ने करना है। बारह बैठे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बढ़िया बोलिया 25 में से 25 राजस्थान के मायने आवेगी 5-5 लाख से जीतेगा। राजस्थान के किसान भाई ने दलिता ने पिछड़ा ने सगड़ा ने अपील करी और भी अपील को असर हो यो भाई जी कि 11 जगह पागा बीजेपी वाला का मोरिया बोलगा 11 अब मांगे समझ में गोनियारी काल कोई कह रहे हो कि राठौड़ साहब बैठे राजेंद्र जी राठौड़ साहब नाम तो सुने ही हो मैं कह इंचार्ज बन रहे ना मुको मारो काम आसान हो गो भाई जी क्योंकि मारा बड़ा भाई जटे जटे जाए ना बैठे बैठे बंटा डाल रहे हैं बीजेपी बैठे पक्की आ रहे इसलिए मैं आएगा तो कोई चिंता नहीं है। मैं थाने एक ही निवेदन करवा के लिए आए हूँ कि माँ की बात राख जो इज्जत राख जो वो मौको है वो मौको बार बार नहीं आवेगो और अगर अब कल आप चूकगा तो मोटी जगह है ना अब आज तो नेता के अफसरा के ईडी इनकम टैक्स सीबीआई भेजे बाद में था सकड़ा के घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजवा को काम करेगो क्योंकि बिने और की नहीं करनो विदेशा में शेयर करनी है काम की कोई योजना नहीं कोई किसान के दलित के पिछड़े के लिए नहीं और कांग्रेस पार्टी इतनी की पार्टी है जो कि 36 कौमा ने सागे लेर चाले 36 कौम बिरादरी ने साथ लेर अगर कोई काम करे तो बात कांग्रेस पार्टी करे। 5 तारीख थाके एक फैसले से हरियाणा के मायने की तरीके की सरकार बनेगी बात को फैसलो होगा। 5 तारीख ने एक मशीन आवेगी आपके सामने मतदान केंद्र पर जाओगा तो भी मशीन के मायने 3 नंबर के ऊपर बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को नाम आवेगो आगे हाथ को निशान आवेगो हाथ के निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगो और भी नीले बटन ने भाई जी सुन जो आराम से भी 3 नंबर आ रहा है नील मैं बुला दू मोरिया
भुला दोगे? भुला दोगा मोरिया बीजेपी का? बलवान सिंह पूनिया ने एमएलए बना दोगा? बना दोगा? दौलतपुरिया जी, पूनिया दौलतपुरिया भाई जी, बलवान सिंह घणो ही बड़ो नाम है, अत्ता लंबा नाम क्यों लिखो बताओ? थे कहेंगे कहेंगे फर्क पड़ गया। अपील करेंगे भाई चंद्रमोहन जी, ए मारो ये परिवार।